É desse jeito. É desse jeito. ऑटोमेटिक है सबसे बढ़िया चीज है। और ये 300 इसमें 300 लीटर का बूस्ट स्पेस है सीट डाउन होने के बाद। अब सीट में नहीं है, सीट डाउन होने के बाद 300 लीटर का। और यहाँ पे इसमें बटन भी है कि आप इसको दबाएंगे एक साउंड आएगी और ये आपका वापस से बूस्ट बंद हो जाएगा। पीछे भी LED लाइट आती है, रनिंग LED आती है उसमें करते उस हिसाब से। और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी थोड़ा सा आउटडेटेड है इतनी ज़्यादा प्राइस होने के। आई थिंक सो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 42 to 45 लाख ऑन रोड पड़ती है 4x2, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है एक गाड़ी के लिए। चला रहा अभी मेरा पेट में पेडल नहीं दे रहा, कि मैं पेडल दूंगा तो देखो थोड़ा सा रेस लेती है गाड़ी, फिर प्रॉपर पिकअप मतलब एक बूस्ट बनाती है गाड़ी। कैसे आप सब लोग, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ यमराज के जूते से, जो है कि फॉर्चुनर। ये है 4x2 ऑटोमेटिक और ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है फॉर्चुनर की और ये ऑटोमेटिक है। जैसे कि मैं अभी आपको बताया, ये गाड़ी मतलब यमराज का जूता है और ये गाड़ी में आता है 2.8 लीटर का एकदम बढ़िया डीजल इंजन, जो कि 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 500 न्यूटन मीटर टॉर्क मतलब समझ, आप ऐसे हो जाओगे, नॉर्मली ऐसे नहीं बैठोगे, आप ऐसे बैठोगे तो वैसा है। गाड़ी का एवरेज आता है सिटी में 10 के आसपास, हाईवे में 12-13 दे देती है अगर आप एकदम आराम से चलाओगे, और एकदम आराम से चलाओगे तो उससे ऊपर भी एवरेज दे देती है। ऐसा है कि नहीं, इस गाड़ी में एवरेज भी नहीं है। और मैं आपको इसका इंजन दे दिखाता हूँ, भाई ये कितना वजनदार है। देखो इसमें एक चीज़ मेरे को जो लगी कि इसका हाइड्रोलिक देना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक इसमें नहीं दिया हुआ है। प्लस इस पर आप इस साइड आ जाओ तो इसमें LED प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, LED फॉग लाइट मिल जाएंगे, बाई बीम LEDs आती है और ब्रिजस्टोन के बढ़िया से टायर आते हैं और इसमें 17 इंच के अलॉय आते हैं। और मैं अपने आपको करेक्ट कर देता हूँ, 201 BHP बनाती है गाड़ी। और इस तरफ आ जाइए तो आपको बढ़िया से इसमें फुट रेस्ट, इसमें भाई चढ़ने के लिए ये बहुत नीड है। और बाकी आप इधर आ जाइए तो इंटीरियर एकदम शानदार, स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल सारी चीज़ अवेलेबल है गाड़ी में। और वेंटिलेटेड सीट्स भी है इसमें, बट इसमें JBL वाला साउंड सिस्टम नहीं आता है क्योंकि 4x2 है ये। और पीछे की रो आप देख लो कि काफ़ी मतलब बढ़िया है, जैसे अब मैं बैठूंगा, अब मेरी हाइट कम है बट ये आप देखो एकदम आराम से, और रिक्लाइन भी होती है, पीछे की सीट भी रिक्लाइन होती है। पीछे की सीट ये 60-40 का है, आपको जैसे सीट गिरानी है तो ये 60-40 वाली है। इसमें पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ सबसे बढ़िया मतलब ये सब गाड़ियों में ये रहती है, जैसे एंडेवर में भी है, इसमें यहाँ पे बटन है तो आप ये बस बटन दबाओ। एक सेकंड ना, मैं चाबी ला देता हूँ गाड़ी लॉक। जैसे कि अभी मैं ये बटन दबाया, ये गाड़ी अनलॉक होगी, ठीक है। अब मैं ये बटन दबाऊंगा, बस बटन दबा दो, ऑटोमेटिक है इसमें, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। और ये 300 इसमें 300 लीटर का बूट स्पेस है सीट डाउन होने के बाद। अब सीट में नहीं है, सीट डाउन होने के बाद 300 लीटर का। और यहाँ पे इसमें बटन भी है कि आप इसको दबाएंगे एक साउंड आएगी और ये आपका वापस से बूट बंद हो जाएगा। पीछे भी LED लाइट आती है, रनिंग LED आती है इसमें। और इससे सबसे बढ़िया ये चीज़ मेरे को लगा कि जो कम्फर्ट है पीछे की, जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ, जो कंफर्ट है, जैसे आप बढ़िया से बैठ जाओ और ये सीट ऐसे आगे पीछे नहीं होती है, होती है आई थिंक सो। और यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, ये सीट को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए कि आपको कैसे बैठना है। और इसमें मैंने आपको चीज़ एक और चीज़ मेरे को बतानी है कि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ईजी टू यूज़ है, कोई इतना बड़ा लोड नहीं है। मैं आपको साउंड भी इसमें सुनाता हूँ और गाड़ी का नॉइज़ भी सुनाता हूँ। टू स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन है इसमें, बढ़िया से कुछ नहीं, ब्रेक दबा, बटन दबा, गाड़ी चालू। गाड़ी ये गाड़ी सिर्फ 10-11 हज़ार किलोमीटर चली है, जिस उस वजह से इस पर साउंड कम है। और जो मैं सुना हूँ ना, जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा चलाते समय कि क्या है, इसमें वो नॉइज़ नहीं है, जो मतलब एक प्रॉपर बोलते ना बहुत नॉइज़ आती है, वैसे एक नॉइज़ नहीं है गाड़ी में। इसका गियर ईजी टू यूज़ है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है। ये पार्किंग, कोई बटन नहीं, कुछ नहीं, लेफ्ट लो, पीछे खींचो रिवर्स, एक और बार खींचो न्यूट्रल, और एक और बार पीछे करो तो
डीएस, डीएस में है ड्राइव और इसको राइट सेट करूंगा तो स्पोर्ट्स मोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें मोड्स भी दिए हुए, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, बस। और इसमें आपको एसी के कंट्रोल भी दिए, ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल है आपको। ऊपर यहाँ पे एसी वेंट्स भी मिल जाते और यहाँ पे आपको अंदर में एलईडी आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। क्रूज कंट्रोल का इस तरफ दिया हुआ है भाई, आप इस तरफ से आके एक बार दिखाइए। जैसे कि ये है, यहाँ पे आपको दे दिया है क्रूज कंट्रोल का, पेडल शिफ्टर्स है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती है और यहाँ पे ऑटोमेटिक IVRM भी आपको अवेलेबल है। गाड़ी में एकदम बढ़िया, इसका मतलब जो फील है स्टेयरिंग का वो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आउटडेटेड हो गया कंपेयर टू बाकी सब कंपनीज की जो गाड़ियाँ, ऐसे भी अभी तो टक्कर में कोई है नहीं, एंडेवर आने वाले टाइम पे, तो लेट्स सी क्या होता है उस गाड़ी में भी, क्या है क्या नहीं, ये टोयोटा कितना फॉर्चुनर को अपग्रेड करती है उस हिसाब से। और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी थोड़ा सा आउटडेटेड है इतनी ज़्यादा प्राइस होने के, आई थिंक सो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 42-45 लाख ऑन रोड पड़ती है 4x2, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस होता है एक गाड़ी के लिए। सो उस हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कम है, कम एज़ पर द प्राइस जो इसकी है, तो बस वही है। और प्लस जो पेडल शिफ्टर्स है वो भी काफ़ी मतलब प्रॉपरली आप एकदम क्लिकी है, कोई रिस्पॉन्सिव है। और जब मोड्स के हिसाब से चलाते हैं तो मोड्स में गाड़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, बटन के एक मतलब वन टच ऑफ बटन गाड़ी का इंजन का रिस्पॉन्स पूरा चेंज हो जाता है। आपका आता है 80 लीटर का फ्यूल टैंक जो कि आपको रेंज देता है 1000 के ऊपर प्लस की आपको रेंज देता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल वाली आपको सीट्स मिलती है लेकिन मेमोरी सीट्स नहीं है इसमें। प्लस इसमें जो स्टोरेज स्पेस है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे पूरा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो बढ़िया स्पेस है, हर जगह स्पेस ही स्पेस है, मतलब ये गाड़ी में स्पेस की आपको बिल्कुल कमी नहीं होगी। और जो डिज़ाइन है उतरने का और सारी चीज़ के लिए, जैसे ये मैं उतरा आराम से उतर सकते हैं आदमी, कोई लोड नहीं है। स्पीकर्स भी बढ़िया इसमें है, कंपनी फिटेड होते हैं, इसमें JBL के स्पीकर नहीं आते बट काफ़ी बढ़िया स्पीकर है इसमें। इसकी चाबी इसमें फॉर्चुनर लिखा है, अनलॉक लॉक और बूट का इसमें। और टोयोटा है तो आपको टेंशन लेना नहीं रिलायबिलिटी का, सर्विस कॉस्ट अराउंड 10-12,000 के आसपास आता है। और टोयोटा है तो लाख चलाओ, 1.5 लाख चलाओ, 3 लाख चलाओ, इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। वीयर एंड टीयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, आप जितना भी रफ चला लोगे इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बात तो है कि रिलायबिलिटी के नाम पर टोयोटा 10 out of 10 है। सो अभी जैसे मैं ये गाड़ी चला रहा, जैसे मैं ये पंजा दे रहा तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा, और अभी गाड़ी इको मोड में चल रही तो रिस्पॉन्स भी अभी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि लैग कर रही है गाड़ी या कुछ। और इस पर एक चीज़ है कि जैसे ब्रेक मारोगे तो ब्रेक भी बढ़िया से लग रही है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा मेरे को ड्राइविंग में जो बोलते हैं ना स्टेयरिंग स्टिफ है इसका थोड़ा काफ़ी वो, मेरे को मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है जितना मैं अभी तक मतलब ये गाड़ी को अभी चलाया हूँ, तो मेरे को अभी तक इतना फील नहीं हो रहा कि गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील काफ़ी हार्ड है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी का। नहीं तो ज़्यादातर रहता है कि थोड़ा सा फील होता है, लेकिन ये मेरे को इतना नहीं लग रहा कि हाँ भाई स्टेयरिंग व्हील हार्ड है काफ़ी ज़्यादा या ऐसा कुछ भी, इतना हार्ड नहीं लग रहा गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील। सो जो मेरे सुना है गाड़ी के बारे में कि मेरे को उतना थोड़ा सा डाउट, मतलब उतना नहीं लग रहा जितना इसका इस चीज़ का हाइप बनाया गया है, तो वही है। बाकी चल रहे हो तो बढ़िया है, इको मोड में भी अच्छा पावर है, कोई ऐसा पावर ड्रॉपेज नहीं है, कुछ नहीं है। और इसमें तो जैसे अभी स्पोर्ट्स मोड में लगा है तो ये काफ़ी मतलब पूरा रिस्पॉन्स ही, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स ही चेंज हो जा रहा है काफ़ी अच्छा, मतलब और ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रही है। इको में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अगर इसका एक्सलेशन अगर 100 होगा तो वो आपको 5 देगी, नॉर्मल में 7 देगी और स्पोर्ट्स में 100 देगी, क्योंकि इको में ऑब्वियसली बात है एवरेज निकालनी है तो वो आपका पावर ड्रॉप करेगी गाड़ी। बट जैसे ये रिस्पॉन्स इसका भी एकदम बढ़ गया, तो वो एक चीज़ इस पर फील है कि हाँ मोड्स में से गाड़ी का तुरंत 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 इसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है गाड़ी का। रही बात बॉडी रोल की, तो मतलब इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद गाड़ी में बॉडी रोल उतना ज़्यादा नहीं है जितना मतलब कि एक इतनी बड़ी गाड़ी में, तो जैसे स्कॉर्पियो पुरानी वाली हो गई, इस क्लासिक और ये सब, मतलब कंपैरिजन कोई नहीं है बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें जितना बॉडी रोल, मतलब इस पर उतना है भी नहीं, इस पर इतना बॉडी रोल है ही नहीं। मैं एंडेवर भी चलाया तो एंडेवर और इसका मतलब बॉडी रोल दोनों गाड़ी का ना के बराबर है, मतलब उतना ज़्यादा है ही नहीं जितना मतलब लोग इतनी बड़ी गाड़ी में एक्सपेक्ट अपन करेंगे कि अब बॉडी रोल बहुत हो, तो बॉडी रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है गाड़ी में सच कुछ।
चला रहा, अभी मेरा मैं पेडल नहीं दे रहा, ये मैं पेडल दूंगा तो ये देखो थोड़ा सा रेस लेती है गाड़ी, फिर प्रॉपर पिकअप मतलब एक बूस्ट बनाती है गाड़ी। तो ये भी एक चीज़ इसमें मेरे को बढ़िया लगी, मतलब थोड़ा सा एक फील आता है कि हाँ बढ़िया है। और ये देखो बा, और जो कमांडिंग है इसका, जो पोस्चर है बहुत सही पोस्चर है, मतलब कमांडिंग पोस्चर है गाड़ी का, मतलब स्टीयरिंग व्हील का अपन जो हाइट पे बैठे हो और जो बोनट का एंगल आ रहा है सब बहुत कमांडिंग है। और भगने में भी अच्छी है, एवरेज की बात है तो इतना बड़ा इंजन है तो अपन इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि क्या एवरेज है क्या नहीं है। और इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं जो कि आपको सेफ्टी के मामले में कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, और 5-स्टार रेटिंग है गाड़ी की तो वो भी कोई आपको टेंशन नहीं है। इट्स नॉट लाइक मारुति कि थोड़ा सा लगा तो एक पप्पी मिली तो गाड़ी ख़त्म टाटा बाय बाय, ये वाली बात तो गाड़ी में है ही नहीं कोई। और बाकी चलाने में रिस्पांस में कोई लोड नहीं है गाड़ी का, गियर भी एकदम बढ़िया है इसके कि मतलब शिफ्ट करो तो तुरंत 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 गाड़ी के गियर शिफ्ट होते हैं, और जब गियर शिफ्ट होते हैं मतलब अपर शिफ्ट बोले तो कब अपर के साइड में या डाउनवर्ड, तो कोई ऐसे जर्क नहीं मारता है कि हाँ कि इसमें ऐसे झटका लगता है जैसे नॉर्मल ऑटोमेटिक ये सब गाड़ियों में कुछ कुछ जो आता है, वो चीज़ इसमें नहीं है बिल्कुल भी। इसमें सबसे बढ़िया जैसे वॉक्सवैगन में भी आता है और आजकल की ज़्यादातर गाड़ियों में आता है कि ये वन टच मिरर डाउन रहता है, और ड्राइविंग साइड नहीं चारों है, चारों वन टच इसके मिरर डाउन है, तो ये भी एक बढ़िया इजी टू मतलब कन्वीनियंस वाली चीज़ है। और अगर मैं कुछ वीडियो में मिस आउट कर रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट में पूछिएगा कि क्या है, क्या चिंतन भाई कैसे क्या है ये चीज़ हमको बताइए। और मैं स्क्रीन का एक बात बताना भूल गया, इसमें आपको रेंज दिखा देगा और कितनी वो है, और इसमें ये एक चीज़ लगी हुई है जो इसको डायरेक्ट एंड्रॉयड ऑटो लिंक कर देती है, तो ये एक इसमें चीज़ बढ़िया हो जाती है। ये अलग से आफ्टर मार्केट है ये, बट वो है प्लस इसमें ये आप जैसे मैं ऐप कर रहा है इसमें एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है, तो इसमें आपको लास्ट एवरेज कितना आ रहा है प्लस आपका रेंज कितना है, एंड्रॉयड ऑटो दिखा देगा एप्पल कार पे और ऑडियो का दिखा रहा है इसमें, मतलब अंदर से ऐसा कुछ इंस्टॉल्ड मैप नहीं आता, ठीक है। और अगर आपको कुछ लग रहा हो कि मैं मिस कर रहा हूँ या कुछ भी हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।